हेलो फ्रेंड्स, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज सात्विक स्कूल से दादी लेकर आई है सात्विक को, और सात्विक के स्कूल में आज भंडारा हुआ था। खाना बोला था नहीं लेकर आना, सिर्फ फ्रूट लेकर आना, तो सात्विक आज फ्रूट लेके गया था और भंडारा हुआ था स्कूल में। तो सात्विक वहाँ पे क्या क्या खा के आया बेटा? तीन पूड़ियाँ खा के आया था। रोटी या पूड़ी? तीन रोटी। चल झूठा। अच्छा, तो छोले और पूड़ी का लंगर हुआ था। मैं भी दिखाती हूँ आपको, देखो मैं मम्मी भी लेकर आई है। ओ शिट, सॉरी। तो गाइस गिर जाता, देखिए हलवा और पूड़ी लेकर आई है मम्मी। तो छोले नहीं लेकर आए क्योंकि छोले हमने बनाए थे रात में। अच्छा, आलू की सब्जी थी गाइस। तो आज हलवा बहुत ज्यादा टेस्टी है गाइस, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मैंने टेस्ट किया था। तो सात्विक अपना पेट उभर के आया है, बचे हम, मैं और मम्मी। दिया को भी मैंने खाने खिला दिया। तो चलिए आज हम खाना खा लेते हैं पहले, फिर आपसे मिलते हैं। सात्विक को मैं ट्यूशन छोड़ी आई, मतलब कर लेती हूँ घर में थोड़ा सा काम, बर्तन तन साफ कर लेती हूँ। मम्मी दिया को देख रही है, अंदर है। सात्विक को ले आई मैं ट्यूशन से, अभी अभी आए हैं हम ट्यूशन से। सात्विक अब खाना खाएगा, इसको भूख लग रही क्योंकि स्कूल में जो फंक्शन था तभी खा के आया था, उसके बाद से अभी भी नहीं खाई, तो अभी खाना खाएगा। खिला देती हूँ। देखिए गाइस, मैंने दिया के लिए लेकर आई थी पंजाबी तड़का, देखिए कैसे फैला दिया, इतनी बदतमीज हो रही है। और ये सिखाता है सब कुछ कि बस अब मैं पिट ना जाऊं। ये क्या हो रहा है, क्यों किया ये? दोबारा करोगे ऐसे? सॉरी बोलो मम्मी को। दिया दोबारा करोगे बेटा? ओहो, अभी सॉरी बोल रही थी, फिर तेवर आ गए इसके अंदर। मम्मी को सॉरी बोल दे फिर मारेगी। ठीक है, दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतने बुंडे से ढोलक पे नाच रहे हैं। दो खुद बजाएगी। कितना भी सुंदर बना लो, ये फिर भी ऐसी बन जाती है सड़े सड़े बालों की। कैसे हंस रहा, खाना खाओ। चलो खाना खाओ। दादी बोली उई। दिया इधर देखना, क्या हो गया दादी को? डॉक्टर ने सुई लगाई थी। और दादी क्या बोली? छुई छुई। डॉक्टर ने लगाई सुई, दादी बोली छुई उई उई। ये दोबारा बोलो, डॉक्टर ने लगाई सुई, दादी बोली हुई नहीं हुई। बोबो स्कूल जा रही है इतनी गंदी बन के? तो बेटा सुंदर कब लग रहे हो, बाल ऐसे बिखरे हुए और गंदे से कपड़े, पैर में शूज नहीं, सॉक्स नहीं, और आप स्कूल जाओगे? नहीं ना, कह रही नहीं। मैंने बोला ना गंदी सी बन के जा रहे, कह रही नहीं। तो कहाँ जा रहे हो आप फिर से? कलर कौन ही है? हाँ। तेरी तो कलर खाएगी। बाबू ना डांटूंगी ना गाइस, देखना कैसे ओवर एक्टिंग करेगी रोने की। हैं 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 देखो आटा कर। अभी तो मैंने मारा भी नहीं। ओवर एक्टिंग क्या हो गया डोगड़ो? देखिए गाइस, दिया दिख रही है ना, देखो ये री चुहिया। अभी मुझे ये पेंसिल देके गई है, देखो पूरी खा के। ये देखिए इसका क्या कर गई पेंसिल का, सारा उसका मसाला खा के और पेंसिल मुझे दे गई। देखना कैसे देख रही है दूर से। ले मेरे बच्चा और खा लो, कोई बात नहीं है, मेरा प्यारा बेटा है, ले लो। सारा खा गई बोबो। आज हम सब्जी में कुछ नहीं बनाने वाले क्योंकि आज सब्जी रखी हुई है। आज हमने बनाए थे आलू पालक। ओ तो गाइज आपको बिस्किट खिला रही है, खा लीजिए। बाय बाय। क्योंकि आज हमने जो सुबह बनाई थी सब्जी आलू पालक की, वो रखी हुई है क्योंकि आज स्कूल से सात्विक भी खा के आया था और स्कूल से मम्मी पूड़ी और हलवा भी लेकर आई थी, तो सब्जी ऐसे के ऐसी रखी हुई है। तो आज हम कुछ नहीं बनाने वाले, सिर्फ आलू और पालक रखा हुआ है, वही खाएंगे।
लेकिन बच्चे नहीं खा रहे तो शायद इनके लिए थोड़ी सी दाल बनानी पड़े, लेकिन देखते हैं अगर ये खा लेंगे पालक तो यही हो जाएगा सबको। इसलिए आज हम बिल्कुल फ्री हैं, आराम कर रहे हैं। मम्मी भी CID देख रही है, कार्तिक अपने स्टडी कर रहा है, दिया बिस्किट खा रही है और मैं अमिता वेट कर रही हूँ कब वो आएंगे और फिर हम खाना खाएंगे। बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने बच्चों के लिए रोटी बना दी और मेरे कान्हा जी के लिए भी बना दी मैंने रोटी। इनके लिए बनाई है मैंने चीनी का पराठा, क्योंकि सब्जी लहसुन प्याज की थी तो चीनी का पराठा बना दिया है एंड पानी। तो कान्हा जी भी खा रहे हैं, दिया भी खा रही है। साथ ही कह रहा है आलू का पराठा बनाओ, तो सुबह जो आलू तले थे मम्मी ने चाट बनाने के लिए तो वो रखे हुए हैं इसमें, तो मैं सोच रही इसके लिए एक पराठा तो बन ही जाएगा, आलू का इसके लिए पराठा बना देते हैं। अरे दिया के पापा आ गए और दिया और रोटी खाती ऐसे छलांग मार के आए कि सब्जी चाहे गिर जाए, ऐसे आई है कूद के जंप मार के आई। कलर कर दिया हमने, कलर खा ली इसने। ओ गंदा बच्चा। और बड़े शान से बताते कलर खा ली, कलर खा गया अब डर रही है। आप भी रुक जा, मैं डंडा लेके आ रहा हूँ। ओए दिया के पापा ढूंढ लग के पापा आ गए, ओए ढूंढ लग के पापा आ गए। कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है, लड़ाई हो रही है इन दोनों की, बस फ्राइडे मार्केट जाने के लिए लड़ाई हो रही है। वो कहता है मैं जाऊंगा, ये कहती है मैं जाऊंगी। अगर हम इन दोनों को ले जाते तो हमें सब्जी उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बेटा तू रुक जा बेटा, सब्जी दिया क्या खाएगी, गोभी। दिया दादी के पास रुक जाओ आप, ठीक है। ओ भाई देखना, मैंने बोला दादी के पास रुक जाओ, रोएगी नहीं सीधा। ये लो तो भाग गई, वो ना रुक रही। यानी फ्राइडे मार्केट जाना भी बहुत मुश्किल हो गया। मम्मी ऐसा करो मैं बच्चे संभाल लेती हूँ, आप इनके साथ चले जाओ। क्या करे गाइस, इन बच्चों ने तो घना ही परेशान कर रखा है। ये मेरी राजस्थानी भाषा है। क्या कह रहा है, दोनों को ही लेके चलो, दोनों को लेके चले। नहीं इनको संभालेंगे सब्जी। पापा से बोल रही है आप मत चलो, स्कूटी पता नहीं कौन चलाएगा। क्या है, पिज्जू जू है, वो बैठे जोजो है। चलो चलो सब्जी बाजार चलते हैं। सबसे पहले लिए हमने गोभी, अब चलते हैं अंदर की तरफ। दिया तो फुल एंजॉय कर रही है, कभी इनको डोगी मिल रहा है कभी कौन, लेकिन अभी गाड़ी आ गई थी और ये भागी। बड़ी मुश्किल से हमने इसको बचाया, हम इतने हाथ पकड़ा। चल उन हाथ पकड़ के चलो बेटा, यहाँ स्कूटियां भी चलती है और ये भागती है ऐसे एक ऐसे जैसे घर है इसका। बैंगन भी ले लिए, बैंगन दे दो भैया। अच्छा मेरे तो हो रहा, गोभी ले ली, बैंगन बच्चे अमित के पास है दोनों और मेरे पास है सब्जी। सब्जी के थैले मैंने पकाई है। अब क्या लेना है, मटर, मूंगरे, बीन्स, बीन्स ना, हाँ 250 ग्राम ले लो। कैसे दे पर पूछो, आई मेरे गला पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया था गले से, मुझे ले लो मुझे ले लो ले लो। बाबू सब्जी है मेरे पास, अभी लूंगी है। और इन बच्चों के लिए लिए हैं इसके पापा ने भटूरे और छोले, छोले भटूरे, वाओ भटूरे खाने हैं तो यहाँ से भटूरे खा रहे हैं। सब्जी बाजार में लगता है गाइस ये छोले भटूरे की दुकान, तो चलिए खा लेते हैं पहले। कैप्सिकम दिया ले, मटर भी ले ली, सब पालकों की रस्सी कट गई है। नुनु अपने हाथ से खिलाएगा, देखते डरता है या नहीं डरता। हाँ चल साथी, यहाँ रख दो, नीचे रख दो, काओ को खिला दो। वेरी गुड, चलो एक और लेके आओ गड्डी। चल साथी बैठो, सब्जी ले ली, अब बैठने हैं स्कूटी पे। चलो जी चलो, चलो भाई चलो। तो गाइस हम भटूरे खाकर आए थे, मम्मी के लिए लेकर आए हैं। हाँ मैं तो थक गई, ओ माय गॉड, तो गाइस हम बहुत थक गए। आज दिया इतना तंग करी है, रोड पे भाग रही थी
हाथ में ही नहीं आ रही थी। बोलते हैं केला भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। तो गाइस इतना थक गए और हम खा कर आए थे छोले भटूरे, तो हम मम्मी के लिए भी लेके आए हैं, मम्मी भी खा लेंगी। हम तो गरम गरम खा के आए, तो गरम गरम के तो बात ही कुछ और मजेदार लगते हैं। अब मम्मी खाएंगी तो आपसे मिलते हैं। मम्मी वैसे बर्थडे चल रहे ना, 7 डे का होता है ना अमित, ये जो चलता है, तो आज पता नहीं कौन सा डे है। तो हमारे घर में तो मन रहा है पेस्ट्री डे। ओके मम्मी कह रहे टैडी डे। देखो गाइस हमें नहीं पता मम्मी को फोन दे के क्या, आपको टैडी पापा आए थे, डैडी आए थे, डैडी डैडी ने दिया मम्मी को टैडी। देखो बताया नहीं मैंने टैडी डे, तो आज मम्मी ने बताया हमें टैडी डे है। तो आज हमारे घर में टैडी डे ना बन के बन रहा है पेस्ट्री डे। तो खाने वाले हैं यम्मी यम्मी, वो तो खा भी गए। देख ये देखिए गाइस, मैं तो सिर्फ बातों में लगी हुई हूँ और मेरे दोनों चटोरे बच्चे गप 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 करके खत्म कर देंगे। तो चलिए हम भी थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं पेस्ट्री के साथ। मम्मी जल्दी आओ, सबके घर में बन रहा है टेडी डे, हमारे घर में बन रहा है पेस्ट्री डे और बहुत ही ज्यादा यम्मी है पेस्ट्री। अमित लो, जब से मैंने ये वाला केक खाना शुरू किया, जब से अमित लेकर आया है पेस्ट्री, जब से मैंने कोई सा भी केक नहीं खाती किसी भी जगह का, सिर्फ यही एक जगह है, मुझे नहीं पता कहाँ से लाते हैं, बस एक यही शॉप ऐसी है जो मुझे बहुत ही ज्यादा यम्मी लगते हैं इसकी पेस्ट्री केक जो भी मिलता है। इस दुकान का नाम है जीनू की टोकरी। ओके जीनू की टोकरी बहुत ही ज्यादा यम्मी है। M2K में है ना ये शॉप, M2K में है। और मैंने जब से ये वाली केक खाई है ना, मैंने सारे यहाँ के केक खाने छोड़ दिए। किसी का बर्थडे होता है मुंह टेस्ट जरूर कर लेती हूँ, लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं आता जो मेरे इस पेस्ट में आता है। खाऊंगी और उसको मैं खिलाऊंगी, खिलाऊंगी फर्स्ट बाइट। तो गाइस आज हम खाएंगे गोल्डन पिज्जा। तो हमेशा हम पहले अपनी मम्मी को खिलाते हैं। हमारे घर पे ये रही मेंटल, हंसी ही नहीं रुक रही है इस पर मेंटल की। बदतमीजी आ गया, पागल ही हो गई है ये, पता भी नहीं चल पा रहा है कोई रीजन इसका कि क्यों हंसे जा रही है इतने। तो पागल तो गाइस पर आप मम्मी को देख लो ओए, मैंने आपने सिरा धोया मम्मी। तो गाइस मुझे लगता है मैंने लाफिंग केक खा लिया था, इन्होंने मुझे पेस्ट्री के चक्कर में मुझे लाफिंग केक खिला दिया। और देखिए गाइस कभी भी कैमरे में आएंगे ना, बस अपना हेयर स्टाइल अपना फेस ही देखते रहते हैं। और अजय ऐसे अपना गोल्डन पिज्जा लेके, ये गाइस अपना आपको गोल्डन पिज्जा खिलाने आया है। इस व्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।